नमस्कार दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिला में बसा है दिरांग, प्राकृतिक सुंदरता का धनी। यहाँ मोनपा जनजाति के लोग रहते हैं जो बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। इसीलिए आपको यहाँ अनेकों सुंदर सुंदर गोंपा देखने को मिल जाएंगे, जिनकी कलाकृति, नक्काशी, बनावट एक से बढ़कर एक है, जो आपके मन को सचमुच खुशनुमा कर देगा। प्राकृतिक सुंदरता और गोंपा से आती हुई मधुर मंत्र उच्चारण सच में मन को काफी शांति का अनुभव कराती है। यहां आपको अक्सर ये रंग बिरंगे झंडे नजर आएंगे। ये झंडे सुख, शांति और समृद्धि के लिए लगाए जाते हैं। यहाँ की जिंदगी काफ़ी रंगों से भरी है, चाहे इनका पहनावा हो, खानपान हो, त्यौहार हो या फिर नित्य शैली हो, हर जगह आपको रंगों की भरमार नजर आएगी। पहाड़ी नदी की भांति ही इनका मन साफ और सुंदर है। नए साल की शुरुआत में लोसर का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोसर का त्यौहार आते ही चारों ओर खुशियां बिखर जाती हैं। सदियों से चली आ रही नित्य परंपरा खुशियों को चार चांद लगा देती है। याक इनके जीवन में एक अहम स्थान रखता है, जो कि इनके नृत्य में भी नजर आता है। याक नृत्य के रूप में जो काफी पसंद भी किया जाता है। साथ ही सदियों से चली आ रही परंपरा में आजीलामू नृत्य भी काफी प्रचलित है। प्रकृति की गोद में बसा है यह थेम्बांग गांव, जो अपने आप में अद्भुत सुंदरता समेटे हुए है। आज हम थेम्बांग सर्किल के छंदर गांव के ब्रोकपा जीवन के बारे में जानेंगे। किस तरह गर्मी के आने के साथ ब्रोकपा अपने मवेशियों के साथ ठंडे स्थानों की तरफ रुख करता है। याक के मालिक हैं लामसरिंग सुरछुकपा, जो कि छंदर गांव के हैं। ये अपने याक की पूजा कर रहे हैं ताकि सफर में कोई तकलीफ ना हो और यात्रा सफल हो। इस पूजा को सेतर कहा जाता है। लामसरिंग सुरछुकपा अपने बेटे रिंचिन दोजे सुरछुकपा को अपनी ब्रोकपा परंपरा सिखाना चाहते हैं, ताकि वो अपने इस परंपरा को आगे बढ़ा सके। आज इनके परिवार को ब्रोक यानी ठंडे स्थान जाने के लिए, खुशी से विदा देने के लिए गांव वाले आए। ये चापू है जो हमें बता रहा है चार दिनों के सफर में कहां कहां रुकना है। जापू ही याक की देखभाल करता है। एक याक टोली से अलग चला गया है, रिंजिन उसे वापस लाने के लिए गया है। देखो अब याक वापस आ गया है, वापस टोली में शामिल हो गया है। अब इनके ब्रोक चलने का समय आ गया है। गांव वाले से विदा लेकर चार महीने के लिए रिंचिन का परिवार ठंडे स्थान की तरफ यात्रा शुरू करते हैं। या भाई सर,
जापू भी अपने लोगों से विदा लेता है, फिर मिलेंगे कहकर यात्रा आरंभ करता है। ब्रोक की यात्रा के लिए रिंचिन के परिवार के साथ 90 याक, 80 भेड़े और कुछ घोड़े भी शामिल हैं। 4 दिन का ये सफर मस्ती के साथ कई चुनौतियों को भी लेकर आएगा, पर यात्रा के साथ कोई समझौता नहीं, हमें आखिर ब्रोक पहुंचना ही है। तिलम भाई, जंगल में याक कहीं भटक ना जाए, इसका हमें ख्याल रखना होता है। हमारे साथ हमारा वफादार कुत्ता सेंट्रुक भी है, जो इसमें हमारी मदद करता है। जो याक शारीरिक तौर पर मजबूत होते हैं, वो हमारा सामान भी ढोता है, जिसमें खाने पीने से लेकर हमारे 4 महीने तक रहने का सारा प्रबंध होता है। बोझा कई याकों में बराबर बांट दिया जाता है, ताकि उन्हें कोई परेशानी भी ना आए और यात्रा खुशी खुशी कट जाए। राम श्री सुर छुप्पा उम्र दराज होने पर भी काफी चुस्त दुरुस्त है और बड़े आराम से ऊंची ऊंची चोटी तक सफर कर लेते हैं। अपने बेटे के लिए वो प्रेरणा स्रोत। इन 4 दिनों की यात्रा में टोली को कई पर्वतों को पार करना है। पहला दिन टोली परशिंगला पहुंचेगी और उसके बाद फिर दूसरे दिन की यात्रा शुरू होगी और फिर टुंगरी पहुंचेगी। फिर तीसरे दिन छंगला पर हमारा वास होगा। टोली का आखिरी पड़ाव जो है वो मेरा सफ है। मेरा सफ बहुत ही ऊंचाई पर है। सब लोग ब्रोक जा रहे हैं, बोल के बहुत खुश हो के दौड़ मार रहे। देखिए आप देख सकते हैं, जितना भी है बहुत खुश से। देखिए जब भी ये विंटर जगह में जाते हैं तो इस तरह खुशी होता है, तो आज ये सब लोग बहुत खुश है। जैसे ही ठंडा प्रदेश शुरू होता है, मवेशियों में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ जाती है। सेंट्रुक भी बहुत खुश है, क्यों ना हो, उसे भी ठंडा प्रदेश बहुत पसंद है। कुछ याक टोली की शान होती है। जो याक सुंदर बालों वाली होती है, उन्हें यात्रा के लिए तैयार किया जाता है, जैसे कि वो कोई दुल्हन हो। सुंदर गला बने और कानों में जब वो इतरा कर चलती है, टोली में खुशी की लहर दौड़ जाती है। भेड़ों का झुंड आगे आगे काफी आगे निकल चुका है और याक भी धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ा चला जा रहा है। भेड़ों का भी मोनपा जनजाति में काफी अहम भूमिका है। भेड़ों के बालों से ये ठंड से बचने के लिए कपड़े, टोपी आदि बनाते हैं। भेड़ों के बालों को रंग कर रंग बिरंगे पोशाकें बनाती हैं। धीरे धीरे रिंचिन का परिवार टोली के साथ ऊंचे पर्वत का सफर कर रही है। यहाँ का तापमान 0 से भी नीचे है। आम लोगों का यहाँ तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, पर ब्रोकपा अपने मवेशियों के साथ इससे भी ऊंचे पर्वत पर सफर करने में सक्षम है। याक के छोटे बच्चे दुर्गम रास्ते में सफर नहीं कर सकते, पर यह कोई बड़ी परेशानी नहीं है। ब्रोकपा आराम से अपने कंधे पर बच्चे की भांति उठाए पर्वतों को पार कर जाती है। सच, यहां याक और ब्रोकपा लोगों का प्यार नजर आता है।
हमारे घोड़े दावा का ये पहला ब्रोक यात्रा है। इस बार वो घूमने और समझने आया है। अगली बार वो यात्रा में बढ़ चढ़ कर सहयोग करेगा। जैसे जैसे हम अपने मंजिल के करीब पहुंचते हैं, रास्ते उतनी ही सक्रिय और खतरनाक होती जाती है, कठिनाइयों से भरी होती है, पर हमने हार मानना सीखा ही नहीं। नदी नाले को पार कर हम आगे बढ़ते जाते हैं। हर कठिनाइयों को हम यूं ही सुलझा कर बढ़ते जाते हैं अपने गंतव्य की ओर। चार दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार हम मेराक पहुंच गए। ये हमारा आखिरी पड़ाव है। हाँ, भूख से हालत बेहाल है। सबसे पहले हम अपने और मवेशियों की भूख मिटाएंगे। अरे, हमारे जानवर तो पहले ही हरी घासों का स्वाद चख रही हैं। वाह, कितना आनंद है, कितना सुकून है यहाँ। हम अपने साथ रक्सी लोकल शराब भी लाए हैं, ये हमें तरोताजा कर देगी। ब्रोक यात्रा पर सिर्फ लामसरिंग सुरछुप्पा का परिवार ही नहीं, गांव के कई और ब्रोकपा परिवार भी आए हैं। सब अपने अपने जगह पर डेरा जमाए हैं। सबका अपना अपना स्थान निर्धारित है। एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी कई किलोमीटर तक होती है। भोजन करने के बाद और थोड़ा सुस्ताने के बाद अब हम तरोताजा हो गए। अब हम रंगीन झंडों को पर्वतों पर लगाएंगे और आराधना करेंगे कि अगले कई महीनों तक प्रकृति अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखे और आने वाले खतरों से हमें सुरक्षा प्रदान करे। बुद्ध भगवान से कामना करेंगे कि हमें सुख समृद्धि दे, हमारे जानवरों की रक्षा करें। ये सिर्फ हमारे जानवर ही नहीं, हमारी जिंदगी है, हमारी जीविका है। इसी के चलते हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। याक के दूध से हम घी, बटर और छुरपी बनाएंगे और फिर इन्हें बाजारों में जाकर अच्छे दामों पर बेचेंगे। ये जो आप छोटे छोटे बंकर देख रहे हैं, इसी जमाने में हमारे भारतीय जवानों द्वारा बनाए गए। अब ये हमें ठंड और बारिश से बचाने में मदद देगी। हम हमारे जवानों को दिल से शुक्रिया करते हैं। उनके रहते हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। Om Mani Padme Hum.
ये खूबसूरत जगह मिराक है। ये समुद्र तल से कई हजार किलोमीटर ऊपर है। यहाँ का तापमान शून्य से भी कई नीचे है, जो हमारे याक के लिए अति उत्तम है। याक यहाँ आकर खुशी से घूमते हैं, ताजे हरे पत्ते खाकर खूब दूध देते हैं। लामसरिंग सुरछुप्पा एक दिन में 80 से 90 लीटर दूध जमा करते हैं और खूब घी बटर छुरपी बनाते हैं। हम ब्रोकपा का जीवन इसी प्रकार ठंडे पहाड़ों और याक के बीच में गुजरती है। यही हमारी परंपरा है। इस बार भी हम खूब अच्छी कमाई करेंगे, घी बटर छुरपी बनाएंगे और आने वाले पीढ़ियों को ब्रोकपा जीवन से प्रेरित करते रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ मेरा बेटा रिंचिन दुर्जे सुरछुप्पा हमारे ब्रोकपा परंपरा को आगे बढ़ाएगा। 4 महीने बाद हमारे पास दूध घी और छुरपी पर्याप्त मात्रा में जमा हो जाएगी और उसे हम दिरांग, बोमडिला और रूपा के बाज़ारों में पहुंचा देंगे। ये बोमडिला का लोकल आमा बाज़ार है। यहाँ हमारे घी और छुरपी की खूब मांग है। लोगों के इसी मांग के चलते हम ब्रोकपा का जीवन फल फूल रहा है और आगे भी हम इस मांग को पूरी करने में सक्षम हैं। हमें लोगों का प्यार मिलता रहे, यही उम्मीद करते हैं। ठंडे मौसम के आते ही हम घर लौट आएंगे और नए साल का हमारा लोसर धूमधाम से मनाएंगे। घर आना किसे अच्छा नहीं लगता, और जब चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हो तो मन बच्चा बन जाता है। ये क्रम चलता रहेगा और हम हमारे याक ठंडे प्रदेश का मजा लेते रहेंगे। कभी आप भी हमारे प्रदेश आए, हमें अच्छा लगे। उम्मीद करते हैं आप जरूर आओ। I'm